हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में वेलकम है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके टॉपिक कराऊंगा जिसका नाम है नर्व्स इक्वेशन। फ्रेंड्स, ये टॉपिक हमारा केमिस्ट्री के चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है और फ्रेंड्स ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इस टॉपिक पर 3 या 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल कन्फर्म आता है। तो फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले फ्रेंड्स हम समझते हैं नर्व्स इक्वेशन है क्या, हम इसे क्यों यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, नर्व्स इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसे हम किसी भी रिएक्शन का सेल्फ पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। अगेन मैं बताता हूँ फ्रेंड्स आपको, नर्व्स इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसे हम किसी भी रिएक्शन का सेल्फ पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। और फ्रेंड मैं इसके बारे में थोड़ा लिखता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा जो मैंने समझाया है। फ्रेंड्स, आपको समझ आ गया होगा जो मैंने आपको समझाया। नर्व्स इक्वेशन इज अ टाइप ऑफ इक्वेशन विच इज यूज्ड टू फाइंड द सेल्फ पोटेंशियल एट एनी मोमेंट ड्यूरिंग अ रिएक्शन। तो ये तो नर्व्स इक्वेशन का इंट्रोडक्शन हो गया, होती क्या। अब फ्रेंड मैं आपको बता दूं नर्व्स इक्वेशन है क्या और किस इक्वेशन को हम नर्व्स इक्वेशन कहते हैं। फ्रेंड, ये मैं जो आपके सामने इक्वेशन लिख रहा हूं, फ्रेंड इक्वेशन को हम नर्व्स इक्वेशन कहते हैं। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी बाई एन एस इंटू लॉग बेस 10। ये वो लोग है जिसका बेस 10 है, लॉग बेस 10 क्यू सी। फ्रेंड्स, इस इक्वेशन को हम नर्व्स इक्वेशन कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, न्यूमेरिकल इसके 3-4 मार्क्स का कन्फर्म आता है। ये फ्रेंड इक्वेशन हमारी नर्व्स इक्वेशन। इक्वेशन आपको फ्रेंड्स याद होना चाहिए कि फ्रेंड एग्जाम में आपको ये निकालने के लिए आएगा कि फाइंड द ई सेल। तो जब इक्वेशन आपको याद होगी तभी आप इस सेल की वैल्यू निकाल पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स में वन बाय वन आपको इस इक्वेशन में हर एक टर्म का मतलब बताऊंगा कि इसमें ये टर्म क्या है, ये टर्म क्या है। फ्रेंड, हर टर्म का मैं आपको मतलब बताऊंगा। फ्रेंड्स, हमने देखा था ये हमारी नर्व्स इक्वेशन थी। अब फ्रेंड्स मैं आपको इसमें बताता हूँ, ये जो इक्वेशन में आर लिखा है फ्रेंड्स, ये हमारा गैस कांस्टेंट है। यहाँ पे आर क्या है फ्रेंड्स, हमारा गैस कांस्टेंट। ठीक है फ्रेंड्स, टी आपको फ्रेंड्स पता ही है, यहाँ पे टेम्परेचर होता है। एफ फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा फेराडे कांस्टेंट है। आपने फेराडे में पढ़ा होगा फेराडे कांस्टेंट, जिसकी वाली 6500 कूलम बोलती है, आपको याद भी होगा। ये क्या हमारा फेराडे कांस्टेंट है। फ्रेंड यहाँ पे एन है हमारा नंबर ऑफ मोल्स पर इलेक्ट्रॉन। फ्रेंड क्यू सी यहाँ पे हमारा रिएक्शन कोशेंट है। नर्व्स इक्वेशन में आपको हर एक टर्म का मतलब पता चल गया होगा। आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, एफ फेराडे कांस्टेंट है, एन हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है और क्यू सी हमारा रिएक्शन कोशेंट है। ठीक है फ्रेंड, और फ्रेंड ई सेल आपको बताइए यहाँ पे हमारा सेल पोटेंशियल है। ठीक है फ्रेंड, और फ्रेंड्स इस इक्वेशन के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। फ्रेंड्स, अगर आप उन चीज़ों को याद रखेंगे तो फ्रेंड्स आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बिल्कुल एक्यूरेट एंड करेक्ट न्यूमेरिकल फ्रेंड्स सॉल्व कर पाएंगे। फ्रेंड्स, नर्व्स इक्वेशन में सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी फ्रेंड वो ये है कि ई नॉट सेल की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। फ्रेंड, ई नॉट सेल की वैल्यू फ्रेंड्स हम ऐसे निकालते हैं, हमारे जो फ्रेंड कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ना फ्रेंड, उसमें से हम एनोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को माइनस कर देते हैं।
इलेक्ट्रोपोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोपोटेंशियल ऑफ एनोड। जो हम कैथोड की इलेक्ट्रोपोटेंशियल से एनोड की इलेक्ट्रोपोटेंशियल को माइनस करें तो फ्रेंड हमें ई नोट सेल की वैल्यू पता चल जाती है। ओके फ्रेंड, समझ आ गया फ्रेंड? ई नोट सेल की वैल्यू कैसे निकालोगे? कैथोड के इलेक्ट्रोपोटेंशियल को एनोड के इलेक्ट्रोपोटेंशियल से माइनस कर देंगे। ठीक है फ्रेंड? फ्रेंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग ये है फ्रेंड, आप जो यहाँ पे वैल्यू देख रहे हैं 2.303 आरटी बाय एफ, एन को छोड़ के फ्रेंड एफ, फ्रेंड ये जो वैल्यू है ना फ्रेंड, इसकी जो इसकी हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू होती है 2.303 आरटी बाय एफ फ्रेंड, ये हमारा इस वैल्यू के इक्वल होता है 0.05 सेंट के इक्वल होता है फ्रेंड। मतलब एग्जाम में आप इतनी कैलकुलेशन छोड़ सकते हैं फ्रेंड, ये आपको बेनिफिट मिलेगा इस वैल्यू का कि एग्जाम में जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आप इसकी पूरे की वैल्यू 0.059 डाल सकते हैं, ये आपको इसका बेनिफिट मिलेगा फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, ये कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए आपको इसके लिए पता है एग्जाम में सीधा ये वैल्यू डाल देंगे और नीचे एन है जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो आप इसकी डाल देंगे इसके नीचे, तो फ्रेंड आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। तो आपको इस वैल्यू हमेशा याद रखनी है कि 2.303 आरटी बाय एफ की वैल्यू 0.059 होती है। ओके फ्रेंड, तीसरी चीज फ्रेंड बात याद है आपको, जो यहाँ पे क्यूसी दिखे फ्रेंड, आप क्यूसी कैसे निकालेंगे? क्यूसी फ्रेंड यहाँ पे हमारा रिएक्शन कोशेंट है और फ्रेंड वो हमारा निकलता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन रिएक्शन। मतलब जितनी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है रिएक्शन में उसे हम डिवाइड कर देते हैं रिएक्शन की कंसंट्रेशन पे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, इसकी अर्थ में क्यूसी मिल जाता है। फिर अभी मैंने आपको तीन चीज बताई फ्रेंड, तीन चीज आपको समझ आ गई होंगी। फ्रेंड फोर्थ चौथी बात जो फ्रेंड आपको ये याद रखनी है कि रिएक्शन में जो सॉलिड की कंसंट्रेशन होगी वो हमेशा 1 के इक्वल होगी। मतलब जो भी हमारा फाइनल रिएक्शन निकल के आएगा नेट सेल रिएक्शन, उसमें जो सॉलिड की कंसंट्रेशन होगी फ्रेंड वो हमेशा हमारी 1 के इक्वल होगी। कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ये आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा भी होगा 11th क्लास में। ठीक है फ्रेंड, फ्रेंड सारी चीज फ्रेंड आपको ये याद रखनी है कि हमेशा कैथोड का इलेक्ट्रो पोटेंशियल ज्यादा होगा एनोड से। मतलब हमें वैल्यू दी होगी क्वेश्चन में इलेक्ट्रो पोटेंशियल की, फ्रेंड जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो कैथोड होगा, जिसकी वैल्यू कम होगी वो एनोड होगा। आपको बस ये बात याद रखनी है फ्रेंड कि कैथोड का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल हमेशा ज्यादा होगा एनोड से। मतलब क्वेश्चन में जो आपको ज्यादा वैल्यू दी है मतलब वो कैथोड है और जो कम वैल्यू दी है एनोड है, तो इसकी हेल्प से पता लगा सकते हो। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कैथोड इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनोड। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड हमारा ये है सिक्स पॉइंट फ्रेंड, जब भी हम सेल रिएक्शन लिखेंगे फ्रेंड, क्योंकि फ्रेंड क्यूसी निकालने के लिए हमें सेल रिएक्शन चाहिए होता है, बिना सेल रिएक्शन के हम क्यूसी फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो फ्रेंड जब भी हम सेल रिएक्शन लिखेंगे तो हमें हमेशा रखना है, सबसे पहले हमें कैथोड का सेल रिएक्शन लिखना है, उसके बाद हमें एनोड का सेल रिएक्शन लिखना है। ठीक है फ्रेंड, सबसे पहले हम कैथोड का सेल रिएक्शन लिखेंगे, उसके बाद एनोड का सेल रिएक्शन लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट वी राइट कैथोड सेल रिएक्शन, एंड देन एनोड सेल रिएक्शन। पहले कैथोड का लिखेंगे उसके बाद एनोड का लिखेंगे। ओके फ्रेंड, अब फ्रेंड सेवन पॉइंट ये आते हैं फ्रेंड, आपको फ्रेंड सेवन पॉइंट और फ्रेंड हमारा लास्ट पॉइंट है, आपको फ्रेंड ये याद रखना है कि जो हम कैथोड का सेल रिएक्शन लिखेंगे उसमें हमारे इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ऐड अप होंगे। समझ आया फ्रेंड, जब हम कैथोड का सेल रिएक्शन लिखेंगे सबसे पहले उसमें जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ऐड करेंगे, मतलब इस साइड तरफ ऐड करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड होती है तो इस साइड तरफ हमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। ठीक है फ्रेंड, याद रखना है कि कैथोड सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन हमारे लेफ्ट हैंड साइड में ऐड अप होंगे, इससे आपको समझ आ जाएगा इलेक्ट्रॉन हमारे कहाँ ऐड होंगे, लेफ्ट हैंड साइड में इधर की तरफ, और एनोड सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन हमारे राइट हैंड साइड तरफ ऐड होंगे।
फ्रेंड्स से काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद करें तो फ्रेंड्स आपके न्यूमेरिकल हमेशा सही जाएंगे, नक्सीजेंगे कभी गलत नहीं होंगे। एनोड सेल डायरेक्शन में आपको याद रखना फ्रेंड्स, आपको इलेक्ट्रॉन हमेशा राइट हैंड साइड से ऐड करने, मतलब इस साइड ऐड करने है, राइट हैंड साइड से ऐड करना है। इलेक्ट्रॉन ऐड यहाँ पे ऐड, इलेक्ट्रॉन एडेड राइट हैंड साइड। फ्रेंड्स एक बार मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, कैथोड साइड रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन आपको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ऐड करने हैं, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड आपको पता होगी कौन सी होती है, और एनोड सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन आपको राइट हैंड साइड की तरफ ऐड करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी फ्रेंड्स जो आपको हमेशा याद रखनी है नक्स इक्वेशन का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए। अगर ये बातें फ्रेंड्स आपको याद रहेगी तो फ्रेंड्स आपका न्यूमेरिकल कभी भी गलत नहीं होगा। अब फ्रेंड्स मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराता हूँ फ्रेंड्स, जिसके फ्रेंड जो मैंने सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई फ्रेंड्स, वो न्यूमेरिकल की हेल्प से आपको क्लियर हो जाएंगी और आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएंगी। फ्रेंड्स ये हमारा न्यूमेरिकल एग्जाम में आपके फ्रेंड टेस्टी न्यूमेरिकल आएगा और फिर न्यूमेरिकल जनरली 4 मार्क्स का आता है। फ्रेंड सबसे पहले हमारा काम होता है न्यूमेरिकल में कैथोड और एनोड का पता लगाना। तो फिर मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट बातें बताई थी उसमें मैंने बताया था कि जिसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो कैथोड होगा और जिसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल कम होगा वो एनोड होगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रो पोटेंशियल कितना ज़्यादा है फ्रेंड्स, कॉपर का ज़्यादा है, साफ साफ दिख रहा है प्लस 0.34। तो मतलब फ्रेंड इससे क्लियर होता है कि हमारा कॉपर हमारा क्या हो गया यहाँ पे कैथोड हो गया, मतलब ये ई कॉपर क्या हो गया यहाँ पे हमारा कैथोड हो गया और ये जिंक क्या हो गया यहाँ पे एनोड हो गया। पहला काम फ्रेंड मेरे करने से पहले यही है हमें कैथोड एनोड का पता लगाना है, जिसका इलेक्ट्रोपोटेशन ज्यादा होगा वो कैथोड होगा, जिसका कम होगा एनोड होगा। कॉपर का ज्यादा था इसलिए कैथोड हो गया, जिंक का कम था इसलिए एनोड हो गया। ओके फ्रेंड फर्स्ट काम हमारा ये। एनोड है फ्रेंड कैथोड एनोड को पता लगाने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है फ्रेंड हमें ई नॉट सेल की वैल्यू निकालने का आता है। अब हम वैल्यू निकालने ई नॉट सेल की, मैं फ्रेंड आपको बताता हूँ ई नॉट सेल की वैल्यू कैसे निकालते हैं। कैथोड के इलेक्ट्रो पोटेंशियल में से एनोड के इलेक्ट्रो पोटेंशियल को माइनस कर देते हैं। तो कैथोड का क्या था फ्रेंड यहाँ पे हमारा कॉपर, ये फॉर्मूला होता है कि कैथोड के इलेक्ट्रो पोटेंशियल से एनोड के इलेक्ट्रो पोटेंशियल को माइनस कर देते हैं, ये बताया था मैंने फ्रेंड यहाँ पे। तो कैथोड कौन है यहाँ पे, कॉपर है, कॉपर का क्या है 0.34 और एनोड क्या है जिंक है, इसमें से माइनस कर देते हैं। आप देखो दोनों मल्टीप्लाई में एडअप हो जाएंगे 0.34 प्लस 0.76, एडअप करने के बाद फ्रेंड जो हमारा आंसर आता है वो आता है 1.10 वोल्ट, मतलब ई नॉट सेल के वैल्यू में मिल चुकी है कितनी आ गई है 1.10 वोल्ट। ठीक है फ्रेंड आपको बताइए इक्वेशन ये थी हमारी ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी एन एफ बाय इंटू लॉग क्यू टी, ये इक्वेशन थी फ्रेंड। तो इस इक्वेशन में फ्रेंड हमें ई नॉट सेल की वैल्यू मिल चुकी है, अब फिर हमारा क्या रहेगा क्यू सी रह गया। अब फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा फ्रेंड क्यू सी निकालने का होगा, रिएक्शन क्वेश्चन निकालने का, और फ्रेंड वो स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। के बाद फ्रेंड्स हमें फाइंड आउट करना है क्यू सी। तो फ्रेंड मैंने आपको बताया था क्यू सी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको सेल रिएक्शन लिखने पड़ेंगे दोनों, कैथोड का सेल रिएक्शन अलग लिखना पड़ेगा, एनोड का सेल रिएक्शन अलग लिखना पड़ेगा, उसके बाद नेट सेल रिएक्शन लिखना पड़ेगा। नेट सेल रिएक्शन की हेल्प से आपका क्यू सी डिटरमाइन होगा। सबसे पहले फ्रेंड हम कैथोड के लिए सेल रिएक्शन लिखते हैं, मैंने आपको बताया था फ्रेंड कैथोड का सेल रिएक्शन सबसे पहले लिखा जाएगा। कैथोड क्या था फ्रेंड हमारा कॉपर था Cu2+, कॉपर फ्रेंड हमारा। तो फ्रेंड मैंने आपको क्या बताया था कैथोड वाले में इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होंगे, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन इस साइड ऐड होंगे। तो फ्रेंड इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ऐडअप करेंगे हमें जिससे सिंगल कॉपर बन जाए, यहाँ पे कितना चार्ज है 2+ चार्ज है, मतलब जब हम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तभी तो सिंगल कॉपर बनेगा, क्यों इलेक्ट्रॉन पे जाना माइनस चार्ज होता है माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 2 है, प्लस का 2 माइनस का 2 क्या होता है कैंसिल हो गया, तो कॉपर सिंगल कॉपर है, समझ रहे फ्रेंड यहाँ पे।
क्योंकि यहाँ पे हमारा 2 प्लस का चार्ज है, इसलिए हमने 2 प्लस इलेक्ट्रॉन ऐड करें। ठीक है फ्रेंड, जिससे रहने वाला सिंगल कॉपर आ गया, क्योंकि ये प्लस का 2 था, माइनस 2 से कैंसिल हो गया, इसमें सिंगल कॉपर आ गया। तो फ्रेंड ये हमारा हो गया कैथोड हाफ रिएक्शन, कैथोड हाफ रिएक्शन हो गया, क्योंकि हमारे कैथोड का अभी आधा है ना, अब हम एनोड का लिखेंगे। तो मैंने फ्रेंड आपको बताया था कि सबसे पहले हम कैथोड का सैचुरेशन लिखते हैं, उसके बाद एनोड का लिखते हैं। एनोड में क्या था फ्रेंड हमारा, जिंक 2 प्लस, जिन पे फ्रेंड चार्ज होगा उन्हें हमेशा एक्वेस में लेते हैं, आपको ये बात भी याद रखनी है। तो मैंने आपको बता दिया था कि एनोड के केस में इलेक्ट्रॉन हमेशा राइट हैंड साइड की तरफ ऐड होंगे। तो फ्रेंड ये क्या है, जिंक 2 प्लस है, तो फ्रेंड इसे ये कितने सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा क्या आएगा, जिंक सॉलिड आएगा, यहाँ पे हमारा जिंक सॉलिड आएगा, वो गलती से मैंने यहाँ पे जिंक सॉलिड आएगा फ्रेंड, सॉरी यहाँ पे फ्रेंड जिंक सॉलिड आएगा। अब फ्रेंड जिंक सॉलिड में फ्रेंड हम कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, इससे फ्रेंड वो हमारा जिंक 2 प्लस बन जाए। फ्रेंड 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, कितने करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, जिससे क्या हम जाएंगे हमारा जिंक 2 प्लस बन जाए। उपाय में से फ्रेंड मैंने यहाँ पे लिख दिया सॉरी फ्रेंड्स अगेन, ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे हमारा जिंक सॉलिड था, तो इसे के बनाना होगा, इसे भी हमें 2 प्लस बनाना होगा, जिंक 2 प्लस के क्वेश्चन में जिंक 2 प्लस दिया हुआ है, तो मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करें, जिससे हमारा जिंक 2 प्लस बन जाए, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। फ्रेंड ये आ गया हमारा एनोड हाफ रिएक्शन। फ्रेंड ये बात समझने के फ्रेंड ध्यान से समझिएगा इसे, ये आ गया हमारा ये कैथोड हाफ रिएक्शन आ गया, एनोड हाफ रिएक्शन आ गया। अब फ्रेंड यहाँ पे जब आएगा हमारा दोनों को ऐड अप करने पर हमारा नेट सेल रिएक्शन आएगा, नेट सेल रिएक्शन, ठीक है फ्रेंड। अब जो जब हम दोनों को हम ऐड करेंगे हमारा नेट सेल रिएक्शन आएगा, दो इलेक्ट्रॉन कट जाते हैं, क्या बचता है हमारा, कॉपर 2 प्लस एक्वस बचता है, प्लस ऐड अप करके जिंक सॉलिड बचता है। यहाँ पे क्या बचता है, कॉपर सॉलिड बचता है, प्लस जिंक 2 प्लस एक्वस बचता है, ठीक है फ्रेंड। अब फ्रेंड ये आप सब जानते हैं ये हमारे प्रोडक्ट होते हैं एंड ये हमारे रिएक्टेंट होते हैं, समझ आ गया फ्रेंड, ये प्रोडक्ट होते हैं रिएक्टेंट होते हैं। फ्रेंड बार बार बता रहा हूँ, क्यूसी निकालने के लिए आपको नेट सेल रिएक्शन जरूरी है, जब तक आपके पास ये नहीं आएगा आप क्यूसी फाइंड आउट नहीं कर सकते, और ये आ गया तो क्यूसी आपको एकदम से फाइंड आउट हो जाएगा। क्यूसी निकालने के लिए नेट सेल रिएक्शन का होना बहुत जरूरी है, जो हमारे पास ये अब आ चुका है, ठीक है फ्रेंड। तो हम भी जानते हैं क्यूसी हमारे इक्वल होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये फ्रेंड हमने देखा था। अब फ्रेंड क्यूसी के अंदर फ्रेंड हम भी सारी वैल्यू डाल देंगे, प्रोडक्ट की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे और रिएक्टिंग वैल्यू के अपॉन में डाल देंगे। फ्रेंड्स हमने देखा था हमारे पास नेट सेल रिएक्शन ही आया, तो फ्रेंड हम क्यूसी निकाल लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डाल देते हैं, कॉपर सॉलिड की कंसंट्रेशन, उसके भी हमारा जिंक सुपरलेक्टर की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की होगी, अब रिएक्टेंट की डाल देते हैं, कॉपर 2 प्लस की कंसंट्रेशन, उसके हमारा जिंक सॉल्ट की कंसंट्रेशन। जब फिर मैंने आपको इंपॉर्टेंट बातें बताई थी, फिर मैंने आपको बताया था कि सॉलिड की कंसंट्रेशन हमेशा 1 के इक्वल होती है, और फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रोडक्ट में हमारा कॉपर सॉलिड है और रिएक्टेंट में हमारा जिंक सॉलिड, दोनों कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, फिर 1 हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड, दोनों कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो फिर हमारा क्या बचा, तब दोनों कंसंट्रेशन 1 हो गई, जिंक 2 प्लस बचा और हमारा कॉपर 2 प्लस एक्स बचा, ये बचा फ्रेंड, क्योंकि फिर वन की मल्टीप्लाई जिससे करते वन ही आता है। फिर मैंने आपको पहले बता दिया था कि सॉलिड की कंसंट्रेशन फ्रेंड हमेशा 1 के इक्वल होती है, फिर यहाँ पे दो सॉलिड, एक तो कॉपर एक जिंक, तो फ्रेंड दोनों कंसंट्रेशन हमारी 1 के इक्वल हो गई। अब फ्रेंड जब मैंने फिर क्वेश्चन लिखा था, फ्रेंड मैंने आपको इन दोनों की कंसंट्रेशन की वैल्यू भी लिखी थी फ्रेंड, कॉपर की कंसंट्रेशन की फ्रेंड मैंने वैल्यू लिखी थी 0.01 मोलर, और जिंक की कंसंट्रेशन की वैल्यू मैंने फ्रेंड लिखी थी 0.0001 मोलर। आपको फ्रेंड याद होगा जब क्वेश्चन में फ्रेंड मैंने वैल्यू लिखी थी स्टार्टिंग में, जब क्वेश्चन मैंने आपको लिखा था, अब फिर हमें दोनों की वैल्यू पता है, जिंक 2 प्लस की पता है, कॉपर 2 प्लस कहते हैं, फ्रेंड हम वैल्यू डाल देते हैं, जिंक 2 प्लस की वैल्यू कितनी है फ्रेंड 0.001 मोलर, एक और 0 है, और कॉपर 2 प्लस कितनी है 0.01, ये सॉल्व कर लेते हैं फ्रेंड, फोन के बाद कितनी 0 है, उतनी नीचे 0 आ जाएंगी और ऊपर उतनी 0 आ जाएंगी, तो 101 ये हो गया, ठीक है फ्रेंड, इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, कितने बचा फ्रेंड 1/100 बचा,
फ्रेंड सॉल्व करना आती है आपको फ्रेंड, फोन पे जितनी पॉइंट हटाया जितनी वैल्यू थी उतनी जीरो नीचे आ गई, यहाँ पे नीचे पॉइंट हटाया जितनी वैल्यू थी जीरो पर आ गई, तो 1/100 फ्रेंड हमारा ही क्यू सी आ गया। क्यू सी वैल्यू कितनी आ गई फ्रेंड, 1/100। आपने देखा हमें E नॉट सेल की वैल्यू पता चल चुकी है और QC की वैल्यू पता चल चुकी है रिएक्शन कोशेंट की। तो हम जानते थे कि नेस्ट इक्वेशन क्या थी, वी नो द नेस्ट इक्वेशन, फ्रेंड्स हमने देखा था ये हमारी नेस्ट इक्वेशन थी, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाय NF log base 10 QC। तो ये हमारी नेक्स्ट इक्वेशन थी। अब फिर हमें यहाँ पे E नॉट सेल के लिए पता चल चुकी है जो कि कितनी आई थी हमारी 1.10 वोल्ट आई थी और रिएक्शन कोशेंट वाली पता चल चुकी है 1/100 आई थी। और फिर सोच रहे हमें N पता नहीं चला, फ्रेंड मैंने आपको बताया था N क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन था, जितने इलेक्ट्रॉन हमारे कैथोड एनोड में ऐड हुए वही N की वैल्यू होगी। कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करें, हमने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करें, तो मतलब एन के लिए कितनी हो गई, 2 हो गई। तो ये आपको याद रखना है जितने इलेक्ट्रॉन आप कैथोड और एनोड में ऐड करेंगे उतनी ही एन की वैल्यू होगी। अगर आपने 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो एन की वैल्यू 5 होगी और 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो एन के लिए 2 होगी। आपने रिएक्शन में देखा होगा हमने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए थे कैथोड हाफ रिएक्शन में भी और एनोड हाफ रिएक्शन में भी, इसलिए एन के लिए 2 हो गई। और फिर हमें सारी वैल्यू मिल चुकी है, अब हमें सारी वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं, वैल्यू से डालने वैसे डाल देते हैं तो क्या होगा, इनो सेल की जगह वैल्यू डाल दी 1.10। और फिर मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट थिंग में कि जो टर्म होती है 2.303 RT बाय एक्स रन इसके लिए कितनी होती है 0.059 होती है। ये जो हमारी टर्म होती है इसके लिए कितनी होती है 0.059 होती है, 0.059 होती है, मैंने आपको बताया था याद होगा आपको 0.059 होती है। तो मेरे ख्याल में आप इसे डायरेक्ट सोल्व कर दोगे तो आपको ज़्यादा कैल्शियम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये वैल्यू फिक्स है, इतनी वैल्यू होती है इसकी 0.059 कैलकुलेटिव वैल्यू होती है। इससे आपको बहुत बैलेंसिट मिलेगा, मेरे ख्याल में कम से कम टाइम लगेगा मैं अगर सॉल्व करने में, तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू डाल देता हूँ 0.059 और एन कितना था 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा log बेस 10 क्यूसी कितना आ रहा 1/100। तो ये हमने सबकी वैल्यू डाल दी, E नॉट सेल की वैल्यू डाल दी, क्यूसी की वैल्यू डाल दी और एन की वैल्यू डाल दी। वैल्यू डालने के बाद हमने देखा था हमारी ये इक्वेशन आई थी। अब फ्रेंड हम इसे सॉल्व करते हैं, फ्रेंड सॉल्व हम इसे ऐसे करेंगे, हम पहले लॉग सॉल्व करेंगे फ्रेंड। फ्रेंड आप भी देख रहे हैं लॉग 1/100 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, अब फ्रेंड ये हमारा 100 नीचे है, तो फ्रेंड अगर हम इसे ऊपर ले जाएंगे क्या होगा, पावर माइनस हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा लॉग बेस 10 100 की पावर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 100 नीचे था हम इसे ऊपर लेके आ गए इसलिए इसकी पावर माइनस 1 हो गई। आगे क्या करेंगे फ्रेंड, 1.10 0.059 हमारा ऐसे रहेगा 5/2 log बेस 10। अब फिर हम 100 को ऐसे लिख सकते हैं ना 10^2 लिख सकते हैं फ्रेंड, लिख सकते हैं 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड क्या होगा, अब फिर 2 की मल्टीप्लाई माइनस 1 से कितना हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, तो ये क्या होगा 0.059/2 log बेस 10 10^-2। फ्रेंड मैं आपको हर एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ, फ्रेंड समझा रहा हूँ फ्रेंड आपको अच्छे समझ आए। इसे 10 का स्क्वायर लिखा, अब फ्रेंड इस पावर से मतलब बाहर वाली पावर होगी तो -2 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये आ गया। अब फ्रेंड आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी लॉग की, कि लॉग एम एन इक्वल होता है हमारा एन लॉग एम के, ये फ्रेंड आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, इसी क्वेश्चन में आइडेंटिटी बहुत यूज होगी, मोस्टली यूज होगी आइडेंटिटी, मोस्टली यूज। आप देख रहे हैं ये हमारा लॉग हो गया, ये हमारा एम हो गया, ये हमारा एन हो गया, मतलब इसकी वैल्यू किसकी बुला देगी एन लॉग एम के, मतलब क्या वैल्यू आएगी हमारी के टू पहले आ जाएगा, ये वैल्यू आएगी 1.10 -0.059/2 लॉग नहीं इंटू में -2 लॉग 10। समझ आया आपको कैसे आया, हम ये जानते हैं लॉग में एक फॉर्मूला होता है कि लॉग एम एन इक्वल होता है एन लॉग एम के, तो ये लॉग है ये एम है एन है, तो ये किसके इक्वल था एन लॉग एम के, तो एन पहले आ गया -2 और लॉग यहाँ ये यहाँ पे आ गया और ये एम क्या था 10 ये यहाँ पे आ गया। ठीक है फ्रेंड, ये आइडेंटिटी काफी इंपॉर्टेंट आपको याद है, या फ्रेंड हम इसे सॉल्व करेंगे।
हमारे पास ये क्वेश्चन आई थी जब हमने लॉग वाली आइडेंटिटी लगाई थी, और फिर हम आगे से फर्दर सॉल्व करते हैं। आप फिर यहाँ पे देख रहे टू से टू कट जाएगा, और फिर यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, मल्टीप्लाई में दोनों और मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो क्या हो जाएगा, अरे हो जाएगा 1.10 प्लस 0.059 इंटू में लॉग 10। और फिर आप ये सब जानते हैं कि लॉग 10 की वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल होती है ना फ्रेंड, आप ही जानते हैं कि लॉग 10 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। तो हमारा क्या आ गया 1.10 इंटू 0.059 इंटू में, मैंने 1.10 जितने करते वन ही आता है, और फिर जब इसे ऐड अप करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1.159 वोल्ट। ठीक है फ्रेंड, तो हमारी ई सेल की वैल्यू कितनी आ गई 1.159 वोल्ट है, हमारी वैल्यू आ गई ई सेल की, जो हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ई सेल, तो हमारी ई सेल की वैल्यू आ गई 1.159 वोल्ट। तो फ्रेंड ऐसी न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं, उन्हें इसी तरीके से डिफेंड करना होता है, और फ्रेंड ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होते हैं फ्रेंड, ये 4 मार्क्स का फ्रेंड हर बार आते जाते हैं 4 मार्क्स का। ठीक है फ्रेंड, तो भाई फ्रेंड ई सेल की वैल्यू आ गई, तो जब भी मैंने एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है नर्सरी क्वेश्चन में, तो फ्रेंड आपको उसे ऐसी ही प्रोसीड आउट करना है। ओके फ्रेंड, तो यही था फिर हमारा नर्सरी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट और उसका न्यूमेरिकल। फ्रेंड्स आज हमने नर्सरी क्वेश्चन देखी और उस पर एक न्यूमेरिकल किया, तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज फ्रेंड्स आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और फ्रेंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे दी गई नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, जिससे आपको मेरे चैनल से रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलती रहे, मेरी वीडियोस को आप देख पाएँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।